वर्डप्रेस क्विज 4 को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट क्विज पर क्लिक किया। आई एम बैकिंग अप ऑफ माई वर्डप्रेस वेबसाइट एट अ मिनिमम आई नीड अ मेक कॉपीज ऑफ ऑप्शन ए द डेटाबेस एंड WP कंटेंट फोल्डर, ऑप्शन बी द WP कंटेंट फोल्डर, ऑप्शन सी WP इंक्लूड फोल्डर, ऑप्शन डी WP एडमिन फोल्डर। यहाँ पर हमारे पास द डेटाबेस एंड WP कंटेंट फोल्डर, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। सेव करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What are the rules that you must follow for WordPress plugin development? Option A, create a unique name. Option B, create plugin folder. Option C, create subfolder for PHP files, translations and assets. Option D, create a Word document file. क्रिएट अ यूनिक नेम जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट आर द स्टेप्स यू कैन टेक इफ योर वर्डप्रेस साइट इज हैक्ड? ऑप्शन ए, व्हाट आर द स्टेप्स यू कैन टेक इफ योर वर्डप्रेस साइट इज हैक्ड? ऑप्शन बी, इग्नोर द हैक्ड एंड कंटिन्यू यूजिंग योर वेबसाइट एज यूजुअल। ऑप्शन सी, इंस्टॉल सिक्योरिटी प्लगइन लाइक WP सिक्योरिटी अपडेट वर्डप्रेस एंड प्लगइन्स। ऑप्शन डी, डिलीट योर वेबसाइट एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो हमें सिक्योरिटी को इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। सिक्योरिटी करेंगे प्लगइन की, लाइक WP सिक्योरिटी होगी, अपडेट वर्डप्रेस करेंगे और प्लगइन, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन तो उन्होंने ऑप्शन ए सेम ही कर दिया, यानी जो क्वेश्चन है वही ऑप्शन ए में दे दिया। सी ऑप्शन मेरे ख्याल से, जो आप सिक्योरिटी प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करेंगे और उसको अपडेट करेंगे, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सेव करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन वर्डप्रेस यू कैन चेंज योर पोस्ट टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड आल्सो फोकस ऑन कीवर्ड यूजिंग। ऑप्शन ए, YOASD SEO, ऑप्शन बी अपड्राफ्ट, ऑप्शन सी अवेडा, ऑप्शन डी वर्ड फेंस। ऑप्शन ए हमारे पास यीस्ट SEO इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेव करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is one of the best defense against any sort of security threats toward your site? Option A, contact form. Option B, themes. Option C, security plugin. Option D, crowdfunding. Option C हमारे पास plugin जो है, security plugin, ये इसका correct option होगा, क्योंकि security threats से related है, तो security plugin ही इसका correct option होगा। सेव करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन यू गेट इन्वॉल्व्ड विद वर्डप्रेस? ऑप्शन ए, बाय अनइंस्टॉलिंग वर्डप्रेस एंड स्विचिंग टू अनदर प्लेटफॉर्म। ऑप्शन बी, बाय अवॉइडिंग वर्डप्रेस एंड नॉट यूजिंग इट ऑल। ऑप्शन सी, बाय यूजिंग वर्डप्रेस फॉर योर पर्सनल वेबसाइट ओनली। ऑप्शन डी, ज्वाइनिंग वर्डप्रेस कम्युनिटी।
contributing to open source development. तो यहाँ से उसने कहा कि हाउ कैन यू गेट इन्वॉल्व विद वर्डप्रेस, जारी बात है अनइंस्टॉल वर्डप्रेस करेंगे किसी और प्लेटफॉर्म पे क्यों जाएंगे, अवॉइडिंग वर्डप्रेस ये भी नहीं हो सकता, बाय यूजिंग द वर्डप्रेस योर पर्सनल ये भी नहीं हो सकता, तो ज्वाइनिंग वर्ड कम्युनिटी पे जाएंगे, कंट्रीब्यूट टू ओपन करेंगे सोर्स डेवलपमेंट, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सेव कर लेते हैं और मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What detach function does in media library? Option A, detach image from every post or page. Option B, no function of media library. Option C, remove image of posts. Option D, delete image from all media. यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन डिटैच इमेज फ्रॉम एवरी पोस्ट और पेज, ये करेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ भी उसने डिटैच का ही कहा है तो डिटैच का यही ऑप्शन होगा। सेव कर लेते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर आर द फाइल्स ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट स्टोर्ड? ऑप्शन ए इन द वेबसाइट विजिटर ब्राउजर कैशे, ऑप्शन बी इन द वेबसाइट डेटाबेस, ऑप्शन सी ऑन अ वेब सर्वर होस्टिंग योर वर्डप्रेस साइट, ऑप्शन डी इन द वर्डप्रेस थीम फोल्डर। तो हमें पता है कि जो फाइल ये वर्डप्रेस होती हैं ये स्टोर होती हैं, पहले में उसने ब्राउज़र कैशे कहा है तो ये नहीं हो सकता, वेबसाइट डेटाबेस ये भी नहीं हो सकता, और ऑन द वेब सर्वर होस्टिंग जो आपने होस्टिंग खरीदी हुई होती है उसके ऊपर जाके ये सारा कुछ सेव होता है, तो ऑन अ वेब सर्वर होस्टिंग योर वर्डप्रेस साइट, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है। आई एम बैकिंग अप माई वर्डप्रेस वेबसाइट एट अ मिनिमम I need to make copies of option A the database and WP content folder, option B the WP content folder, option C WP include folder, option D WP admin folder। हमें डेटाबेस और WP कंटेंट फोल्डर को ही रखना होता है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। सेव कर लेते हैं और मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारी किस्मत में क्या निकलता है। अपड्राफ्ट प्लस इज यूज्ड फॉर ऑप्शन ए बैकअप, ऑप्शन बी सिक्योरिटी, ऑप्शन सी मीडिया, ऑप्शन डी फाइल अपलोडिंग। अब यहाँ पर उसने अपड्राफ्ट प्लस इज़ यूज्ड, तो जो अपड्राफ्ट प्लस, अपड्राफ्ट होता है किसी चीज़ को हम जो महफूज रखते हैं उसको कहा जाता है, तो ये हमारे पास बैकअप होता है, तो बैकअप के लिए अपड्राफ्ट यानी उसको हम एक अलग प्लस के तौर पर रख लेते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास बाकियों के निस्बत ठीक होगा। सेव करते हैं और देखते हैं हमने कितने मार्क्स गेन किए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वर्डप्रेस है और वर्डप्रेस में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 9 मार्क्स गेन किए हैं, हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है।